सोहाल बनाऊंगी, ये 5 मिनट में कैसे सोहाल बना के आप नाश्ते में खाइए, आप भी खाइए और बच्चों को खिलाइए, किस तरीके से बनाएंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक कटोरी आटा है और ये वाली कटोरी ये मैदा है। इन दोनों को मैंने मार के इसका डो बना लिया था। डो बनाने के बाद मैंने ये पापड़ी बनके तैयार कर ली। ये देखिए, ये मैंने पापड़ी बना के इसकी तैयार कर ली। ये मटर है, ये एक कटोरी मटर मैंने रात को भिगो दिया है। ये वाली मटर है, चाट वाली जो मटर होती है, इसको मैंने एक कटोरी भिगो दिया है। अब इस पापड़ी को जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने अजवाइन डाली है, हींग डाला है और नमक डाला है और थोड़ा सा मोहन डाल के ये पापड़ी को मैंने बना के तैयार कर लिया है। और ये पापड़ी आप भी बना के आप घर में स्टोर करके रख सकती हैं। आपकी ये एक हफ्ता चल जाएगी या 10 दिन तक चल जाएगी, आराम जितनी आप बनाएंगे उस हिसाब से आपकी चल जाएगी। ये खराब नहीं होती है और इसमें आप झटपट आप जो है बच्चों को ऐसे भी नाश्ते में दे सकती हैं या आलू रख के भी, भर के भी, चटनी वटनी डाल के भी दे सकती हैं। इसलिए अब आपको मैं सोहाल बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मटर को मैंने रात में भिगो दिया था। सुबेरे मैंने इसको उबाला नहीं है और ना इसमें प्याज डाला है और ना मैंने इसमें लहसुन डाला है। इसको खाली मैंने हींग, जीरा, नमक, मिर्चा से गरम मसाला डाल के बढ़िया छौंक के बना लिया है। ये सोहाल के लिए मेरी मटर तैयार हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया मटर को, ये सब मैंने तैयार करके रखा है, बस आपको सोहाल बना के दिखाना है। टमाटो कैचअप वाली चटनी है ये और ये प्याज है। चलिए बनाते हैं सोहाल। ये मेरी पापड़ी है, मैंने इसको बना के तैयार कर लिया है। आप भी बना के इसको तैयार करके रख लीजिए, बस इसमें झटपट बनाइए और खाइए। ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये जो मैंने मटर को बना के तैयार करके रख लिया है, इस मटर को इसमें रखना है ऐसे। ये सब बना के रख लेने से आपका फटाफट आपका सोहाल बनके तैयार हो जाता। आप अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप आलू भी इस तरीके से भरता बना के सब करके रख सकती हैं इसमें। बहुत बढ़िया खाने में स्वाद लगता है ये, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, आप भी खाइए। आपके यहाँ मेहमान आए उनको भी आप ये नई डिश खिला सकती हैं बना के। इस तरीके से आपने मटर को लगा दिया। अब इसमें ये प्याज कटा हुआ है, अब इस प्याज को थोड़ा थोड़ा समय डालूंगी। बहुत ही अच्छा लगता है सोहाल खाने में, ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। बस आपको पापड़ी बना के रखना होगा, बना के रख लीजिए। ये टमाटो केचप की चटनी है ये, इसको मैं इसमें डालूंगी। अगर आप तीखा खाते हैं तो हरा मिर्चा भी महीन महीन काट के इसमें आप ऊपर से डाल सकते हैं। हरा धनिया भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं महीन महीन काट के। ये देखिए दालमूठ है, या आपके पास खाली सेव हो तो आप सेव भी डाल सकती हैं, ये दालमूठ है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी दालमूठ ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी सवाल बनके आपका खाने में तैयार हो गया। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें ऊपर से दालमूठ भी डाल सकती हैं, सेव हो तो सेव भी आप डाल दीजिए इसमें ऐसे। ये देखिए, ये देखिए मेरा सोहाल बनके तैयार हो गया झटपट। मेरा 5 मिनट में ये सोहाल बनके तैयार हो गया। जैसे देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, ऐसे खाने में बहुत टेस्टी होता है। प्लीज आप एक बार इस सोहाल को जरूर बनाइए, आप खाइए और बच्चों को भी खिलाइए। आप क्या मेहमान आए उनको भी जरूर खिलाइए, क्योंकि ये नई प्रकार की डिश है ये। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिए,